आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाई है 2022 में 300 यूनिट डिग्री आपको फ्री मिली। आपके बच्चों को पढ़ने के बेहतर इंतजाम होंगे, घर में आपको लैपटॉप मिलेगा, अच्छे स्कूलों की स्थापना होगी। कोरोना काल में सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य की सेवा नहीं दे पाई वो देगी और आवारा पशुओं से आपको निजात मिलेगी। नियमों का पालन करना है और कोविड के नियम का पालन करते हुए आम लोगों को जनता के बीच में जाना है। आज हमने शुरुआत की है, घर घर साइकिल से अकेले जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बताएंगे, समाजवादी सरकार 2022 में नई समाजवादी सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। इस नारे के साथ आज हमने शुरुआत की है और जनपद में हमारा कार्यकर्ता कोविड का पालन करेगा, आचार संहिता का पालन करते हुए 2 से 3 लोग साइकिल से और अकेले निकलकर घरों में जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों से, बहन बेटियों से बात करेंगे कि आवारा पशुओं से निजात हमको किस तरीके मिले, किस तरीके से खाद चोरी करने वाली सरकार से हम बाहर उसको करें, किस तरीके से हमारे इन बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर इंतजाम हो सकें, इनके घरों में लैपटॉप आए तो कोविड काल में किस तरीके से पढ़ाई कर सकें, किस तरीके से जो जानवर हमारे बंधे हुए हैं इनको अच्छा चारा मिले, और ये जो खेती सामने आप देख रहे हैं, ये हरी भरी खेती जो है, ये हरी भरी खेती रात में किसान ठंड में ताकता है और ठंड में ताकते ताकते किसानों की मौत तक हुई है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इन सब बातों को लेकर हम ग्रामीण अंचल में लोगों के पास घर घर जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पैगाम लेकर जाएंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, आपको राशन की गरीबों को व्यवस्था फ्री होगी, लैपटॉप सबको मिलेगा और 325 यूनिट बिजली का मतलब 2175 रुपये प्रति माह आपके घरों में मिलेगा, जो गैस सिलेंडर हमारी माताएं बहनें नहीं भरवा पा रही हैं। आप लोग गैस नहीं भरवा पा रही ना, नहीं भरवा पा रहे तो गैस में जब 2175 रुपये की बिजली आपको मिलेगी, 2175 रुपये की बिजली में आप इंडक्शन का चूल्हा लगाकर अपने खाना बना सकते हैं, हमारी जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं इनको लैपटॉप मिलेगा, ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों नहीं जा पा रहे हैं इनके घरों में भी स्कूल की कोविड काल में व्यवस्था हो, इस तरह का पैगाम लेकर समाजवादी पार्टी आज गाँव में निकली है।